दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मंडल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्यम क्रिएशन में। मैं यह वीडियो लेकर आया हूं थाईलैंड यात्रा से संबंधित। जो भी लोग अभी थाईलैंड की यात्रा करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं निकट कुछ दिनों में, या जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में थाईलैंड की यात्रा कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, यह मौसम विभाग की घोषणा है कि काफ़ी खतरनाक पाबुक तूफान वहाँ आने की संभावना है। काफ़ी विनाशकारी तूफान है यह। काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आ सकती हैं वहाँ पर। भूस्खलन की समस्या हो सकती है। जो समुद्री एरिया है वहाँ की, जो साउथर्न एरिया है जिसमें फुकेट भी आता है, कैरेबी आइलैंड आता है, इन सारे प्लेसेस को पहले ही सील कर दिया गया है ताकि वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ ना रहें। जो खतरनाक प्लेसेस हैं वहाँ टूरिस्ट ना रहें। दोस्तों, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस थाईलैंड के ऊपर बनाए हैं और कई सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है मैंने थाईलैंड में। दोस्तों, थाईलैंड से आने के बाद इंडिया से कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया थाईलैंड यात्रा करने के लिए। तो कई सारे मेरे फ्रेंड और इंडिया से कई लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं और थाईलैंड की यात्रा कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह न्यूज़ है जो थाईलैंड की यात्रा करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में, या फिर जिनका टिकट फिक्स हो गया है जनवरी के महीने में थाईलैंड जा रहे हैं, उन सभी के लिए यह एक न्यूज़ है। दोस्तों, तूफान पाबुक काफ़ी खतरनाक हो सकता है। यह कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ होने वाला है। यह सुनामी की तरह हो सकता है। लेकिन जो भी समुद्री एरिए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा इसमें दक्षिणी थाईलैंड एरिया। काफ़ी सारे लोग फुकेट की यात्रा करते हैं, कैरेबी आइलैंड की यात्रा करते हैं। दोस्तों, इसके पहले आपने, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, एक तूफान उस्मान ने काफ़ी तबाही मचाई थी फिलीपींस शहर में। दोस्तों, तूफान उस्मान ने नए साल की पूर्व संध्या पर फिलीपींस में काफ़ी कहर बरपाया। 64 से अधिक लोगों की शायद मौत हो गई। 64 से अधिक लोगों का दावा किया गया है। यह निश्चित नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप काफ़ी विनाश हुआ। इसके बाद सिस्टम एक अवसाद के रूप में कमज़ोर हो गया और दक्षिण चीन सागर में चला गया, जहाँ एक बार फिर से गति बढ़ गई। गुरुवार को फिर से यह चक्रवाती तूफान पाबुक बन गया। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है। यह कल से यह पाबुक के शक्ल में आया और यह आज थाईलैंड में काफ़ी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, पाबुक चक्रवाती तूफान से थाईलैंड का साउथर्न एरिया प्रभावित होगा। मैं कुछ प्लेसेस हैं मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कौन कौन से प्लेसेस हैं इसमें। दोस्तों, मेरे पास एक चार्ट है, देखिए। ये दक्षिणी एरिया है थाईलैंड का, इसको गल्फ ऑफ थाईलैंड बोला जाता है। ये जो एरिया है दोस्तों, इसमें कैरेबी आ जाता है, नाखून कैरेबी आ जाता है, इसमें फुकेट आ जाता है, समोई आइलैंड आ जाता है जो काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इन सारे प्लेसेस पर अगर आपने पहले से टिकट बुक कर लिया है उसको कैंसिल कर लें, आप दूसरे प्लेसेस पर जाएं। इन सारे प्लेसेस को अवॉइड करें क्योंकि इन सारे प्लेसेस पर जाने के लिए जो फेरीज चलती हैं, उन सारे फेरीज को भी थाईलैंड अथॉरिटीज़ ने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, ऐसे वक्त में आप थाईलैंड की यात्रा को अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा। या फिर थाईलैंड की यात्रा कर रहे हैं तो बैंकॉक या पटाया शहर या जो इससे प्रभावित नहीं है, नॉर्थ थाईलैंड में आप भ्रमण कर सकते हैं, साउथर्न एरिया में आप ना जाएं। दोस्तों, यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि काफ़ी सारे इंडियन लोग इंडिया से प्रतिदिन थाईलैंड की यात्रा करते हैं। 5 से 10 हज़ार लोग थाईलैंड की यात्रा करते हैं, इसलिए ध्यान दें। वो काफ़ी खतरनाक तूफान हो सकता है यह। पिछले 68 वर्षों में ऐसा तूफान थाईलैंड के द्वीपों में कभी नहीं आया। यह काफ़ी विनाशकारी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। या फिर जो वहाँ वहाँ की जनता है उनको भी आगाह कर दिया गया है कि वो सेफ प्लेसेस पर चले जाएं। दोस्तों, यह पाबुक नामक तूफान 5 जनवरी से
8 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। 5 जनवरी को यह पूरी तरह थाईलैंड के द्वीपों के नजदीक रहेगा। दोस्तों, इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम की ओर, तो यह अपने इंडियन समुद्री क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर भी आएगा, लेकिन तब तक इसकी तीव्रता काफ़ी कम हो जाएगी और इसका दबाव क्षेत्र काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी और तापमान काफ़ी कम रहने की उम्मीद है दोस्तों, इसलिए सावधान रहें और समुद्री क्षेत्रों में जाने से बचें। अगर आप टूर प्लान कर रहे हैं, अंडमान निकोबार का भी टूर प्लान कर रहे हैं या थाईलैंड का टूर प्लान कर रहे हैं, तो अपने प्लान में थोड़ा चेंज करें। सबसे जनवरी का महीना सबसे अच्छा माना जाता है टूर के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। पाबुक तूफान आने से आपकी जर्नी खराब हो सकती है या फिर आप प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, आप घूम नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्लेसेस को सील कर देती है और ऐसे प्लेसेस पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप ऐसे प्लेसेस पर जाना अवॉइड करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।